व्हाट्स अप गाइस, दिस इज डॉग बिहाइंड कैम एंड आज का वीडियो नहीं, वीडियो सीरीज होने वाली है अबाउट हाउ टू बाय अ सेकेंड हैंड कार। बहुत इजी चीज़ होती है आजकल, कॉन करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। वैसे जैसे आप देख सकते हैं, कई बार क्या करते हैं, ऑडोमीटर्स को पीछे कर देते हैं, टायर्स आपको नकली दिखा के दे देंगे, टायर्स को रिन्यू करवा के आपको दे देंगे, अंदर गाड़ी में कुछ भी इंजन सिग्नल आ रहा है उसको इरेज करवा के आपको गाड़ी पकड़ा देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकें, क्योंकि हम इस चीज़ के गो थ्रू हो चुके हैं एक बार और हम बन चुके हैं बेवकूफ़, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग नहीं बने। तो ये सीरीज़ किस बारे में होने वाली है, बहुत आसान रखने वाले हैं हम, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एक गाड़ी में आपको देखना होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी पहला वीडियो जो आज हम आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, उसमें हम बहुत ही सामान्य तरीके से आपको समझाएंगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स अपनी गाड़ी में देखें। ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपने सेल साइन देखा है इसके ऊपर, आपके पास इसकी चाबी नहीं है, आप अभी ओनर को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, आप सिर्फ इसके एक्सटर्नल्स देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस गाड़ी को आपको आगे देखना भी है या नहीं देखना। कई बार ऐसा होता है कि कई मेजर परेशानियां सिर्फ बाहर से देख के समझ में आ जाती है। गाड़ी एक्सीडेंटल है वो भी आपको बहुत इजीली सिर्फ एक्सटीरियर बिना चाबी के देखना सिखा देंगे हम आपको विद इन मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये सब करना है। 2-1 गो। तो सबसे पहले कोई भी गाड़ी जो आप देखेंगे उसमें आपको उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट तो दिखी जाएगी, तो इस रजिस्ट्रेशन प्लेट को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एमपी रजिस्ट्रेशन साइट पे। जैसे कि अगर हम इसको डालेंगे तो उसमें गाड़ी का ईयर, गाड़ी का कलर क्या था, कई बार ऐसा होता है कि आपको कलर भी चेंज करके पकड़ा दी जाती है गाड़ी, हर चीज़ उस रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। ये सुविधाएँ, ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं आज के ज़माने में। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि ये नंबर रजिस्ट्रेशन साइट पे जाके, मैं उसकी भी लिंक नीचे डाल दूंगा रजिस्ट्रेशन साइट की, आप वहाँ जाके कोई भी गाड़ी का नंबर जो आपको लेना है उसको डालें, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, गाड़ी ट्रांसफ़र किसको हुई है, किसके नाम पे है। कई बार ऐसा होता है डीलर बेच रहा होता है और गाड़ी किसी और के नाम पर होती है, फिर बाद में आपको परेशानियाँ होती हैं, एक्सीडेंटल गाड़ी होती है। कई बार ऐसा भी है कि उसमें अगर एक्सीडेंटल गाड़ी और वहाँ तक बात पहुँची तो वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो सबसे पहले तो आपने ये प्लेट डाल ली तो आपको ईयर, कलर, मेक सब कुछ पता चल जाएगा एक गाड़ी के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आपने ये कर लिया, जब आपको ये पता चल गया कि ठीक है फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है, गाड़ी एकदम क्लियर है, कोई इसमें ख़राबी एज सच ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसका एक्सटीरियर देखना शुरू करेंगे। तो एक्सटीरियर में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले बाहर से आप पूरा एक गाड़ी के आसपास घूमेंगे और इस गाड़ी को आसपास घूम के आप देखेंगे कि इसके पेंट्स में क्या डिफेक्ट है। तो एक्सटीरियर पेंट में क्या डिफेक्ट हो सकता है वो मैं आपको पास से आके दिखा देता हूँ। कैमरा को मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको हर चीज़। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसका ये जो यूनिवर्सल डोर स्ट्रिप जो होती है ये निकली हुई है, तो एज सच हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी डीप स्क्रैचेस भी हैं। ये डीप स्क्रैच होता है जिसमें पेंट ही निकल चुका है, तो इसमें तो आपको डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो गाड़ी एज सच बहुत ज़्यादा बुरी हालत में नहीं है, पर ठीक है कई जगह छोटे मोटे डेंट्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सनलाइट में, या फिर हल्का सा पानी डाल के देखेंगे तो और ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्रैच है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मिरर्स हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज़ हैं। तो एज सच मुझे तो ये चीज़ें बॉदर नहीं करती, स्क्रैचेज एंड ऑल। अब जब आप स्क्रैचेज देख ही रहे हैं तो एक चीज़ और आप नोटिस करें गाड़ी की कि वो होती हैं हेडलाइट्स। कई बार क्या होता है एकदम फॉगी हेडलाइट्स होती हैं और हेडलाइट्स एक बहुत बड़ा ख़र्चा होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी बलेनो 2019 मॉडल की हेडलाइट्स अगर आप ओरिजिनल परचेज़ करने जाएंगे तो वो 19,000 रुपीज़ की हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। तो 19,000 रुपीज़ की हेडलाइट्स, हालांकि इसकी अगर आप देखें इतनी पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो फिर भी इसमें भी अगर आप दोनों हेडलाइट्स परचेज़ करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000 रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो अलॉन्ग विद पेंट आप सबसे ज़्यादा चीज़ ये भी देखें कि हेडलाइट्स ज़्यादा फॉगी तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा फॉगी और बहुत ही गंदी हेडलाइट्स हुई, जैसे कि काफ़ी इसमें भी स्क्रैचेस हैं, पर चल जाएगा इससे काम, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अपन को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को पता है कि कैसे इन फॉगी हेडलाइट्स को सही कर सकते हैं। उसकी लिंक में भी मैं ऊपर डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो स्क्रैचेस इसमें बहुत सारे हैं, कई डीप हैं, कई एक्सटीरियर वाले हैं जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इनेमल पे ही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों से इसका पेंट पड़ा हुआ है। अब अगर आपको ये चीज़ बॉदर करती है कि आपको पेंट जॉब एकदम अच्छी चाहिए, इस साइड का भी स्ट्रिप निकला हुआ है बट एज सच उसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डील ब्रेकर स्क्रैच है जो कि पूरा अच्छे से जा चुका है अंदर। और इसके अलावा अगर हम पीछे आपको रोटेट होके दिखाएं तो पीछे ऐसा
कोई ख़ास स्क्रैचेस तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से पेंट उखड़ा हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये सब चीज़ें वैसे तो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए इन माई ओपिनियन, क्योंकि पेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जब दिल चाहे करा सकते हैं, 10,000 का खर्चा आता है। एंड इफ़ यू आर बाइंग अ कार विच इज़ वर्थ 2 to 3 lakh रुपीज़, तो आप फिर ये 10,000 रुपये इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन माई ओपिनियन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाड़ी का इंजन, गाड़ी का सस्पेंशन एंड टायर्स। तो अभी एक्सटीरियर में हमने आपको दिखा दिया कि पेंट कैसे देखना है। पेंट आप देख सकते हैं, पेंट जॉब इज़ नॉट अ बिग थिंग, पेंट कराया जा सकता है, इसलिए ये आपके ऊपर है कि आपको एकदम परफेक्टली पेंटेड गाड़ी चाहिए। पेंट ओरिजिनल है कि नहीं ये भी आप देख सकते हैं। क्या होता है कई बार जब दूसरे लोग पेंट करवाते हैं तो कई बार आप इसको थोड़ा सा हटा के देखेंगे या इस तरह से देखेंगे तो इन जगहों पे, जैसे कि ये जो चीज़ है, ये जो हमारा पैनल है या ये जो रबर का पीस है, इन पे कई जगह पेंट होता है। कई बार अगर पेंट जॉब कराई हुई है तो जो भी ब्लैक पैनल्स हैं उनको अच्छे से कवर नहीं किया होगा तो आपको वहाँ पेंट लगा हुआ दिख जाएगा, जो कि इस गाड़ी पे नहीं दिख सकता क्योंकि इस पे एकदम ओरिजिनल पेंट है। और इसके अलावा आपको चेक करना है कि कोई एज सच आपको डेंटिंग तो करी हुई नहीं दिख रही, जिससे कि ये प्रूव हो कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये सब चीज़ें तो चेंज करवा ली, लेकिन यहाँ पे एक जो डेंट है वो विजिबल है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है लेकिन आपको दिख जाएगा। बम्पर भी अगर आप देखें तो इस गाड़ी के कोई ख़ास अच्छे नहीं है, अलग से जोड़े गए हैं इस तरह से, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट ठीक है, फॉर मी एक्सटीरियर्स डोंट मैटर, एक्सटीरियर्स एक बहुत छोटा पार्ट होते हैं। 10 से 20 हज़ार रुपये में आप पूरी गाड़ी पेंट करवा सकते हैं, तो वो कोई बड़ा जॉब नहीं है। ये हो गई एक्सटीरियर पेंट की बात। अब हम आते हैं आप और क्या क्या देख सकते हैं बाहरी बाहर से। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है गाड़ी में वो होते हैं इसके टायर्स। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये है एक ब्रिजस्टोन का टायर डला हुआ है इसमें। टायर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं ये जो एक मार्क होता है ये यहाँ पे, इस तरह से मैं अंदर ले जाके अगर आपको दिखाऊँ, ये जो मार्क होता है, ये मार्क होता है ये बताने के लिए कि टायर कितना बचा है। ये नियरली इसके पैरेलल हो गया है ट्रेडिंग के, तो इसकी ट्रेडिंग अच्छी खासी घिस चुकी है। 50 to 70% ये टायर जा चुका है, इसकी खासा लाइफ बची नहीं है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी क्रैक्स भी हैं इसमें, तो ये टायर तो किसी काम का नहीं है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि दोनों टायर एटलीस्ट सेम साइज़ के होना चाहिए और इसका रिम भी सेम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टायर अलग अलग बदल के दे दिया जाता है आपको। एक टायर अराउंड 4,500 से लेकर 6,000 तक कॉस्ट करता है, तो अगर आप चारों टायर बदलवाएंगे तो दैट विल बी अ बिग एक्सपेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये टायर भी काफ़ी ख़राब हालत में है, लेकिन एटलीस्ट बोथ द टायर्स आर सेम, उसका रिम सेम है और अच्छी हालत में है, नहीं है। 50 to 60% इसके ट्रेड्स जा चुके हैं, तो ये दो टायर तो अगर आप चेंज करवाने ही पड़ेंगे अगर आप ये गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो। ये चेंज करवाने का खर्चा अराउंड 10,000 आएगा, गाड़ी को पेंट करवाने का खर्चा अराउंड 10,000 आएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख के और फाइनल जो प्राइस है उसमें से माइनस करके डील कर सकते हैं फाइनली। पीछे का टायर फिर भी अच्छी हालत में है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग भी इसकी अच्छी खासी बची हुई है, अभी भी 50% से ज़्यादा आई थिंक बचे हुए हैं, 60-70% बचे हुए हैं। तो ये अपोलो के टायर हैं, यहाँ पीछे दोनों साइड अपोलो के ही टायर डले हुए हैं। तो ये हो गया टायर के बारे में बात। यहाँ का टायर भी ठीक ठाक हालत में है, इतना बुरा हाल नहीं है इसका, लेकिन इट विल नॉट डू द जॉब। हमें लगता है कि अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो आपको चारों टायर बदलवाने पड़ेंगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 में भी। और अगर आप पेंट जॉब पूरी बात करें तो पेंट जॉब भी आपकी अराउंड 10,000 की तो होगी। अगर आप सिर्फ इसमें इस तरह से डेंटिंग पेंटिंग ही करवाएंगे, सिर्फ पेंटिंग ही करवाएंगे, डेंटिंग भी ना करवाएंगे, तो भी अराउंड 10,000। तो अगर वो डीलर या सेलर आपसे 3 lakh रुपीज़ मांग रहे हैं इस गाड़ी के, तो ये आप 30,000 तो सीधा सीधा कम करवा सकते हैं। तो ये हो गई दो मेन चीज़ों की बात, एक्सटीरियर पेंट एंड टायर्स के, और इवन हेडलाइट्स की बात भी हमने आपसे कर ली। अब हम और क्या देख सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं, जो कि अलॉय व्हील्स में देखना काफ़ी आसान है, लेकिन ये यहाँ पे अलॉय व्हील्स नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ये डिस्क की हालत क्या है। क्या होता है कई बार बहुत लंबी खड़ी हुई गाड़ी अगर होगी तो ये डिस्क पे भी पूरा जंग लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये डिस्क अच्छी हालत में है और सिल्वरिश शाइनी है, इस पर रस्ट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये गाड़ी रन कर रही है। क्या होता है गाड़ियाँ बनी होती हैं चलाने के लिए,
और अगर इसको चलाया नहीं जाता तो फिर ये एक ख़राब गाड़ी ही कंसिडर की जाती है। दूसरा, आप यहीं से देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स की हालत, कोई लीक तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये देखिए आप, ये लेफ़्ट वाला फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है, आई थिंक इसमें एक थोड़ा सा लीक है, आई डोंट नो इफ़ इट्स विजिबल टू यू। अगर मैं नीचे से आपको दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा विजिबल होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आप करना है वो ये है कि अब आप नीचे से देखेंगे गाड़ी को। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज सच इतना रस्ट नहीं है यहाँ पे, वरना क्या होता है, हमने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हैं जहाँ पे हाथ लगाया और रस्ट से ये सब चीज़ें गिर गई। नीचे से आप गाड़ी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर कहीं ना कहीं ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो नीचे से कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवाता। कोई विजिबल एक्सीडेंट वाला एरिया होगा तो गाड़ी वहाँ से आपको डेंटेड दिखेगी, ऊपर से वो चीज़ें सब काम करवा लेते हैं, नीचे से कोई इस पर मेहनत करना नहीं चाहता। तो ये हमने आपको नीचे से दिखा दिया है, चारों साइड नीचे से होके देख सकते हैं आप। नीचे से ही आपको शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में भी पता चल जाएगा आगे पीछे के, कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं। अगर यहीं मैं आपको पीछे आके दिखाऊं नीचे साइड से, तो आप देख सकते हैं कोई भी आदमी इस चीज़ के ऊपर कभी काम नहीं करवाएगा। अगर यहाँ डेंट है, अगर ये एक्सीडेंट में हुई होगी, तो यहाँ एक आपको प्रॉपर डेंट जैसे दिख जाएंगे कि आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि परेशानी क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर, अगर ये लीकिंग वाला होता तो आपको दिख जाता है इसमें से ऑयल लीक हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों साइड प्रॉपर शॉक एब्जॉर्बर अच्छा काम करेंगे आई एम श्योर। इसका कोई डेंट नहीं दिख रहा नीचे के साइड हमको। तो इस तरह से ये तो डिसाइडेड है कि एज सच ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है आगे पीछे कहीं से भी। तो ये हो गया पूरा वॉक अराउंड, और इवन हमने नीचे से भी दिखा दिया कि आप क्या क्या देख सकते हैं। अब फाइनली, क्योंकि गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है और आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं, तो हम इंटीरियर भी हल्का सा चेक कर लें। सबसे पहले तो इंटीरियर में आप ये देख लें, गाड़ी ऑटोमेटिक है या मैनुअल, जो कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में मैनुअल है। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सीट्स बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, जो कि अभी इसमें अच्छे हाल में हैं। विनाइल और डैशबोर्ड की हालत देख सकते हैं, ज़्यादा पुराना होगा, कितना पुराना है दिख जाएगा। इवन अगर आप ये देखें कि स्टीयरिंग कितना पुराना और कितना ज़्यादा यूज्ड है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। इस तरह से पूरी गाड़ी को आप अच्छे से अंदर से भी देख सकते हैं कोई ऐसी ख़राबी हो। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेयर्ड आउट दिखती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा परेशानी, जैसे अभी आप इसमें देख सकते हैं कि गियर बॉक्स का जो इसमें लेदर है वो बुरी तरह से वेयर आउट है। तो अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लुक्स एंड ऑल, आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, तो आप गाड़ी को यहीं से छोड़ सकते हो। आप इतना भी बॉदर ना करो कि आप इस सब के बारे में फिर आगे पूछो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, फॉर मी इट डजेंट मैटर, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि एक्सटीरियर कैसा है। फॉर मी द थिंग दैट मोस्ट मैटर्स द मोस्ट इज़ द इंजन एंड गाड़ी कैसे चल रही है, इंजन के साथ सस्पेंशन उसका किस तरह का है, एंड इवन उसकी बाकी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं उसका ब्रेकिंग अच्छी आ रही हो, और इसके अलावा बाकी चीज़ें वर्किंग होना चाहिए इन माई ओपिनियन। एक्सटीरियर तो ऐसा है कि आप 10-15 हज़ार रुपये लगा के ईजिली चेंज करवा सकते हैं। वन गो। तो एक और चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली, वो है इसका सस्पेंशन। तो क्या है कि अगर आपने ऐसे इसको करा के देखा, अगर ये बार बार ऐसे करके डांस करे चली जा रही है, जैसे हमारे छोड़ने के बाद भी, जैसे अभी हम इसको कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम करके इसको छोड़ें तो इसको फ़ौरन रुक जाना चाहिए। अगर ये फिर भी डांस कर रही है, इसका मतलब इसका सस्पेंशन जा चुका है। तो ये चीज़ आप चारों टायर्स पर चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शॉक एब्जॉर्बर, एक होता है स्प्रिंग और उसके अंदर होता है एब्जॉर्बर, जो कि क्या करता है, स्प्रिंग दबने के बाद एकदम से वापस नहीं आए, उसके लिए एक उसमें रॉड लगी होती है। वो ख़राब अगर हो गई तो वो एक बड़ा खर्चा होता है, वो भी अराउंड 15-20,000 का खर्चा होता है सिर्फ फ्रंट का, और ऐसे 20,000 का शायद बैक का भी होता है। तो वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी हुई है और बहुत पुरानी हो गई है, तो इसका पूरा विनाइल का कलर उड़ चुका होगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी तो इसमें फिर भी अच्छा है कलर। हमने ऐसी गाड़ियाँ देखी जिसमें विनाइल कलर जा चुका है, ये ब्राउनिश शेड से वो ग्रे शेड में आ चुका है। तो फिर भी ये सब चीज़ें आप जो भी मैंने आपको बताई, बीट सस्पेंशन, बीट अपना टायर्स और बीट अपना एक्सटीरियर पेंट, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप ये देख के फिर गाड़ी छोड़ दें कि यार ये सही नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था, एक्सटीरियरली चीज़ें बता रहा था कि ये सब चीज़ें आप देख के अपने सेलर या डीलर को ये बता सकते हैं कि साहब इसमें इतना खर्चा आने वाला है, तो ये तो हम फाइनल अमाउंट में से माइनस करेंगे ही।
और इस हिसाब से आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। अगर वो बंदा आपको 3 लाख रुपए बोल रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको फिर भी इस गाड़ी में 30,000 का काम कराना पड़ेगा, तो आप उसको खींच के 270 के बजाय 250 तक ले आओ, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं यार ये खर्चा बड़ा है, उसको भी पता है ये चीज़, बेचने वाले को भी पता है कि ये खर्चा है, तो वो भी उस चीज़ को कंसिडर करके हो सकता है आपको गाड़ी बहुत अच्छे डील पर मिल जाए। तो हमारा एम ये है कि आप लोग बेवकूफ़ ना बने, आप लोग परेशान ना हो गाड़ी लेने के बाद। हमने एक शेवरलेट बीट ख़रीदी थी जो कि ख़रीदने के बाद हमको कंपनी में ले जाके खड़ी करी हमने, तो उन्होंने हमको बताया कंपनी वालों ने कि इसके इंजन में काम 50,000 रुपीज़ का है। तो ऐसे बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कॉन्स बैठे हुए हैं जो आपको बस लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा मेन पर्पस बस ये है कि आप लोगों को इस तरह के कॉन्स से बचा सकें और एक परफेक्ट डील आपको दिला सकें एक सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सीरीज़ है ये, तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस सीरीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करने वाले हैं हम लोग। आई वॉन्ट कि इंडिया में हर पर्सन इस सीरीज़ को देख सके, क्योंकि ये हम हिंदी उर्दू टाइप लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डॉग बिहाइंड कैम। आई होप दिस हेल्प। तो यही था वीडियो, यही सब हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। तो ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो था। द सीरीज़ इज़ अबाउट हाउ टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, कैसे एक पुरानी गाड़ी खरीदें और बेवकूफ़ ना बने आज के ज़माने में, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। आज के ज़माने में बेवकूफ़ हर इंसान बना रहा है, हर डीलर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, हर सेलर जो अपनी गाड़ी बेच रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे आप ये देख सकते हैं कि ऑडोमीटर में 1 लाख किलोमीटर अगर दिख रहा है तो वह एक्चुअली 1 लाख चला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में बताता जाऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आने तक आपको पता हो, एंड ऐसे कई सारे वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ डॉग बिहाइंड कैम साइनिंग आउट। पीस आउट।